ये ऐसा टर्मिनोलॉजी है, नाम दे दिया हमने और कुछ नहीं। तो भाई साहब रिएक्टिविटी भी समझ गए। अब आप जरूर ये दिमाग लगाओगे सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, पता चल गया। क्यों रिएक्टिव होता है वो भी पता चल गया, क्या करेगा वो भी पता चल गया रिडक्शन। लेकिन क्या आप हमें ये बताएंगे कि ये बनता कैसे? बिल्कुल बताएंगे, निश्चिंत रहिए। तो हम पहले सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं वो आरएमजीएक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो 3-4 मैंने एग्जांपल में पहले लिखा है उन्हीं के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरएमजीएक्स। तो मैंने भाई हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड हेडिंग होगी, सारे लोग बड़ा सा हेडिंग डालेंगे ग्रिगनार्ड रीजन। ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक है जिससे हम रिडक्शन पढ़ेंगे, ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिससे हम रिडक्शन पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड रीजन, महा इंपॉर्टेंट। मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। ग्रिगनार्ड रीजन पहले मैं आपको बताऊं कि ये दिखता कैसे, सारे लोग देखिए। ये मेरे भाई आर एम जी एक्स, ठीक है। तो R क्या है मेरे भाई, सारे लोग देखिए। R हो सकता है एल्काइल, निराश मत, R एरोमेटिक भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एलाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। केवल एक ही चीज फिक्स है, Mg, मैग्नीशियम। और X क्या होता है, हैलाइड। पीछे वाले पता है एक्स क्या होता है, हैलाइड। एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। आओ कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हुए लाइक CH3 MgCl, क्लियर। लाइक बेंजीन MgBr, ठीक है। लाइक CH2CHNGI, आप देख सकते हैं ये सारे ग्रिगनार्ड रीजन है, ये हो या ये हो या ये हो, सारे ग्रिगनार्ड रीजन बहुत आराम से देख सकते हैं। RMGX, एल्काइल, एराइल, मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत मजेदार तरीके से सुनना, जब भी मैं RMGX लिखूंगा, कई बुक्स में और कई लोग आरएमजीएक्स ऐसे लिखते हैं, आप देखिएगा, और कई लोग आरएमजीएक्स ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखकर उन्हें चीजें समझाने में आसानी होती है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है और कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको गलती आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आरएमजीएक्स में आर पर फुल माइनस नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्चुअली ये आयनिक नहीं होता। और अगर ये आयनिक नहीं है तो आप माइनस प्लस में नहीं लिख सकते, ये कोवेलेंट है। सारे लोग देखेंगे और इसी बात को फेवर करते हुए यहां पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस लिखिए। जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तब ये इस बॉन्ड को पूरा धीरे धीरे तोड़ना चालू करेगा, उधर धीरे धीरे बनाना चालू करेगा, बट अकेले अवस्था में आर पूरा डिसोसिएटेड हो ही नहीं सकता। इसलिए रिमेंबर दिस इज नॉट ए कार्बन आयन, सारे लोग सुन लेना, ये कार्बन आयन नहीं है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत जगह गलत लिखा हो, दिस इज नॉट ए कार्बन आयन, इट इज ए सोर्स ऑफ कार्बन आयन, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन आयन। ये कार्बन आयन प्रोवाइड कर सकता है बट ये खुद कार्बन आयन नहीं। अगर तुमने आम का पेड़ देखा तो आम का पेड़ है ना, वो आम थोड़े है, पेड़ तो पेड़ है ना, पेड़ आम कैसे हो गया? आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई ये छोटी छोटी बेहद छोटी बातें ग्रिगनार्ड रीजन के बारे में हमने अभी भी लिखी, ठीक है। और अब हम करेंगे बनाने के तरीके, इसमें तो उस्ताद हैं आप लोग कि ग्रिगनार्ड रीजन को बनाते कैसे। तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं कि ग्रिगनार्ड रीजन को बनाते कैसे। आइए
बनाने के तरीके पर चलते हैं। सही है, सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये सेगमेंट मैं इधर ले लेता हूं। अगला पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारे लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके, ग्रिगनार्ड रिजेंट बनाने के तरीके, सुन लो ध्यान से मेरे भाई, बहुत आसान है। ग्रिगनार्ड रिजेंट इज ऑप्टेन्ड, ये मिलता है बाय रिएक्शन ऑफ RX, ये एराइल हैलाइड भी हो सकता है, एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, ऑफ RX या फिर ARX, कुछ भी ले लो आप, एल्काइल हैलाइड ले लो या एराइल हैलाइड ले लो, सही है, विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम, अरे यार ऑब्वियस सी बात, RX और साथ में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम मेटल लेना पड़ेगा, विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कंडीशन। मेरे भाई ये समझना पड़ेगा, और आप देखेंगे इससे पहले ड्राई ईथर कहां लिया था हमने, वुड्स रिएक्शन में लिया, फ्री रेडिकल में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, वहां लिया था हमने, जहां जहां मेटल है वहां कंडीशन ड्राई रखनी पड़ेगी, वहां कंडीशन ऐसी रखनी है कि आपका मेटल प्रॉब्लम फील ना करे। अगर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा भी मॉइस्चर ऐड कर दो, मॉइस्चर, नमी, नमी मतलब जल, मेरे भाई आपका मेटल निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल, जो मेटल है वो जल को रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, इसलिए यहां पर ड्राई कंडीशन रखी जाती है और इथरल कंडीशन रखी जाती है। एल्कोहल लेंगे तो ओपर एच, जल लेंगे तो ओपर एच, इथर में ओपर एच नहीं होता। तो मेरे भाई ग्रिगनार्ड रिजेंट ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ RX ARX विद मैग्नीशियम इन ड्राई इथर कंडीशन यूजिंग इन, ध्यान से देखना अभी है मजेदार पॉइंट, 1:1 रेशियो। मेरे भाई ये पॉइंट समझने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आप अच्छा फील करें। RX है, सारे देखेंगे RX है, तुमने Mg मेटल डाला, मैग्नीशियम, यहां क्या है मेरे भाई, सारे बोलो ड्राई ईथर, एंड व्हाट इज योर आंसर, R, आंसर बता दो, R क्या है आंसर, RMgS, ग्रिगनार्ड रिजेंट, क्या है आंसर, ग्रिगनार्ड रिजेंट आ गया भाई साहब, RMgS, ये मीन दैट ये 1:1 रेशियो है, ये है आपकी रिएक्शन। अब आपके जहन में सवाल हो सकते हैं, सर 1:1 क्यों लिया, मेरे ख्याल से अगर मैं 1:1 नहीं बोलता तो आपको आगे बढ़कर बोलना चाहिए था कि रिएक्शन गलत है, बताता हूं कैसे, आइए इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे यहां पर, सारे लोग देखिए इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे यहां पर। आपको रेडिकल चैप्टर में वुड्स रिएक्शन याद होगा, उसमें RX था, सोडियम मेटल था, ड्राई ईथर था, आंसर था RR, यहां क्या हुआ, यहां RR क्यों नहीं आया भाई, मेरे भाई यही फर्क है, वुड्स रिएक्शन में दो RX थे, मेरे भाई अगर तुमने यहां RX 2 मोल कर दिए तो ये भी वुड्स हो जाएगा, ये भी वुड जैसा हो जाएगा, RX अगर 2 कर दिए तो RX जो दूसरा वाला है वो इस ग्रिगनार्ड से रिएक्शन करके RR देगा, RR। अगर आपको और डिटेल जानना है तो वुड्स रिएक्शन की आयनिक मैकेनिज्म देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, आइए मैं इधर बताता हूं आपको। वुड्स की तरह इसकी 2 मैकेनिज्म होती हैं, फर्स्ट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सारे लोग देखें इसमें Mg क्या करता है, RX में एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और मेरे भाई ये भाग जाता है X, आपको क्या मिलेगा, सच बताओ आपको क्या मिलेगा, R डॉट, क्या मिलेगा, R डॉट, सोचो जरा Mg ने
दो में से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना होगा? एक बचा होगा, एक प्लस आया होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और x भागा होगा एक माइनस के साथ। तो मेरे भाई बताओ क्या ये पूरा मिलकर mgx डॉट है या नहीं? क्या ये पूरा मिलकर mgx डॉट है या नहीं? और आपको पता है, आप चाहो या ना चाहो, mgx डॉट इस रेडिकल पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, अरे जुड़ जाएगा मेरे भाई, जुड़ जाएगा। इधर बॉन्ड टूट रही है, इधर बॉन्ड बन रही है। तो कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मेरे भाई वुड्स की तरह इसकी एक आयनिक मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है, कई बुक्स में है आयनिक मैकेनिज्म। आइए देखते हैं आयनिक सेम एमजी क्या करने वाला है। मेरे भाई सुनना, एमजी इस बार दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अरे एक देगा तो वही होगा, वही क्यों होगा मेरे भाई? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, सच बताना क्या आपको आर माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? दो इलेक्ट्रॉन अगर देगा, और एमजी ने अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए, एमजी पर प्लस टू आएगा, और एक्स भागा है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर, तो mg प्लस टू एक्स माइनस, नेट क्या होगा? mg x प्लस। मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, मेरे भाई ये r mg x बना लेंगे, ये r mg x बना लेंगे। तो गेगनार्डिज़न दो तरीके से बन सकता है, मैकेनिज्म है दो पॉसिबल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। तो ये ग्रिगनार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन, हाय हेलो एवरीथिंग, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये देखिए दो मैकेनिज्म्स, और अब हम नोट में लिखेंगे इसके छोटे 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 सारे पॉइंट्स, फिर करेंगे क्वेश्चंस एज यूजुअल। देख लें इसे, हो गया, देख लिया आपने? हटा देते हैं इसे। तो बहुत इजी इजी बातें चल रही, सिंपल सिंपल छोटी छोटी। आई मेरे भाई नोट में हम इससे रिलेटेड सारी चीजें लिखेंगे नोट में। इंटरमीडिएट बताओ क्या क्या है, रेडिकल एंड एनायन फर्स्ट पॉइंट, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बेनायन आर इंटरमीडिएट्स, आर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्या आपने देखा कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग आरडीएस हम लिख सकते हैं, सी एच ब्रेकिंग इज आरडीएस। मुझे जल्दी से जवाब देना, अगर आपको ग्रिगनार्ड बनाना है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ग्रिगनार्डिज़न फॉर्मेशन, अगर आपको ग्रिगनार्डिज़न बनाना है और आपके पास है ये हैलाइड्स, तो बताइए सबसे जल्दी ग्रिगनार्ड कहां बने? सोचो सोचो, सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड है, सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिसाइज क्लियर। जो वीक बॉन्ड है वो सबसे जल्दी टूटेगा, आरआई पर ग्रिगनार्ड जल्दी बनेगा। मैंने भाई ये ग्रिगनार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स है, और यहां पर हम कुछ और चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे ग्रिगनार्डिज़न अक्सर ईथर सॉल्वेंट में लिया जाता है या कई बार टर्शियरी अमीन में लिया जाता है। तो मैं इस बात को मेंशन करता हूं यहां पर, ग्रिगनार्डिज़न इज ऑफनली टेकन इन फॉलोइंग सॉल्वेंट्स
देखें क्या क्या है यहां पर, क्या है सॉल्वेंट में अगर हम बात करें, एक एक तो ईथर है मेरे भाई, एक है आपका टर्सरी एमीन। ईथर आप देखो ईथर की टाइप क्या होती है, आर ओ आर, कुछ ईथर में बताऊं आपको, और देखो इसी ईथर को शॉर्ट में लिखते हैं ET2O, इसी ईथर को, ये वाला, अरे इथाइल इथाइल हो, इथाइल इथाइल हो, और ये है आपका THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन है, तो ईथर यार। टर्सरी अमीन आप देखें क्या होता है, R3N, N पर तीन तीन एल्काइल एराइल, वो टर्सरी अमीन होता है। क्यों लिया जाता है ऐसा, ध्यान से सुना, आगे आप सीखेंगे बहुत जबरदस्त। बिकॉज दीज सॉल्वेंट्स, दीज सॉल्वेंट्स आर इनर्ट, आर इनर्ट टूवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रीजन, ये ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन नहीं करते, एंड ग्रिग्नार्ड रीजन हैज गुड सॉल्विटी, गुड सॉल्विटी इन दीज सॉल्वेंट्स, इन दीज सॉल्वेंट्स रिएक्शन कोई नहीं होती, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन इन सॉल्वेंट्स में खूब सारा क्या होते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा, फिफ्थ में आपको और मजेदार चीज बताऊं, एक्चुअली ग्रिग्नार्ड RMGX होता ही नहीं, RMGX ग्रिग्नार्ड नहीं होता, ये तो इजी रिप्रेजेंटेशन है ग्रिग्नार्ड का, ग्रिग्नार्ड का सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन हम रखते हैं RMGX, वास्तविकता में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रीजन एग्जिस्ट एज ए डाइमर, लाइक अगर मैं आपके सामने दूं RMGX, XMGR, देखते रहे सर, और मेरे भाई मैंने THF में लिया, इसमें लिया मैंने THF, देखिए ये इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये X इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये भाई साहब पूरी कहानी आपके आंखों के सामने, ऐसा डाइमर होता है ये बड़ा सा, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम RMGX लिखेंगे, R पर पार्शियल माइनस लिखेंगे, MG पर पार्शियल प्लस लिखेंगे, बस इतना, ठीक है। सो दीज आर पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। तो अब मैं आपको दूंगा कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन, मेरे भाई देखें जरा रिएक्शंस, देखें जो आपको करनी है, और बहुत आसान है, प्लीज बिलीव मी, देखिए कैसे, CH3Cl, और ये मैंने दिया आपको MG नीथर, अरे यार RXMG, तो क्या बन जाएगा RMGX, इसका आंसर क्या रहेगा CH3MgCl, आसान। सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ये देखिए, ये है BR डैश डैश, बहुत आसान। थर्ड मेरे भाई मैंने आपको अगर बेंजीन दे दिया तो भी आपको करना है, क्या बन जाएगा बेंजीन पर, क्या आ जाएगा बताओ, एक बना देता हूं मैं, एक बना देता हूं MGI, ये है ग्रिग्नार्ड रीजन, निहायती आसान कर लेंगे आप, बहुत सिंपल है ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन, देखें इसे समझें एक बार, देख लो इसे, समझ लो इसे, मैं मैकेनिकल पोर्शन हटा रहा हूं, तीन एग्जांपल्स मैंने दिए, ये तीन एग्जांपल्स हैं, और आगे हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। फोर्थ, सारे लोग देखिएगा मजा आएगा,
CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये Mg इन ईथर। फिफ्थ, ठीक है, सारे लोग देखते रहिए। एक बड़ी मजेदार चीज है ग्रेडिएंट फॉर्मेशन की, जो मैं थोड़ी देर पहले बात भी की थी, कि अगर हमारे पास है Rx प्लस Mg और है इन ईथर, सही है, और आप ये जानना चाहते हैं कि सर Rx ज्यादा लेने से क्या हो रहा था, वेट 2:1 ले लिया मैंने, आओ इसे सॉल्व करें, आओ इसे सॉल्व करें। तो मेरे भाई 2:1 में पहले आप ऐसा कर लो, सही है, ये 2 है, ये 1 है, रेशियो ईथर, तो पहले बताओ ये तो ऐसे ही रहेगा, सारे लोग देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, Rx रहेगा, और ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, मुंह खोलो और बोलो बेटा RMgX, ये आपने ज्यादा लिया है तो ये पड़ा रहेगा, और ये क्या बना लेगा RMgX। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में। अब आप कहोगे यही जो आप खटाक से लिखते हो अपने को समझ में नहीं आता, अरे देखो ना डैश, इस आर पर, ग्रिग्नार्ड के आर पर पार्शियल माइनस है, जबकि Rx के आर पर पार्शियल डैश प्लस है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक आप समझदार हैं तो क्या ये आर इस आर पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, और आंसर देगा आर आर और MgX2 बाहर निकल जाएगा। That's why it was highly required कि आपका ये 1:1 रेशियो में रहे। अगर ये 1:1 रेशियो में नहीं होगा तो मेरे भाई आप ग्रिग्नार्ड नहीं पा पाओगे, ग्रिग्नार्ड आपको नहीं प्राप्त होगा, इस बात को समझ लें। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। MeHCl एंड दिस इज इथाइल एंड Mg इन ईथर, Mg इन सॉरी ईथर, MeHBpCH2Cl Mg इन ईथर। एट, Br मेरे भाई ये है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन की रिएक्शंस, ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक में ग्रिग्नार्डिज्म क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीजें पढ़ ली। और सब पढ़ने के बाद अब एक बात आती है मन में कि ये किस टाइप की रिएक्शंस करता होगा, या इसकी जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली अब हम वही पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। हमारी अगली हेडिंग जो है वो बहुत इस टाइप की हेडिंग हमने बहुत पहले डाली है, रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट, रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट। और ऑब्वियसली आपको पता है ये रिडक्शन होगा, क्या होगा मेरे भाई, रिडक्शन रिएक्शंस। तो एक बार ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, सो दोस्तों अच्छा चैप्टर है, तो इतना आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा जितना हमने आज किया है। और रही बात रिएक्शन शोन बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये कनेक्टेड सेगमेंट है, मतलब हम जब इसे स्टार्ट करेंगे तो इसमें 2-3 टाइप की रिएक्शंस हैं जो अगली क्लास में हम पूरा करेंगे, चालू करेंगे। और अगली क्लास में आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा, थ्योरी कॉपी का अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा। अभी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना, और एक और काम करें, हीटिंग इफेक्ट में किस कैटेगरी का कंपाउंड हीट होने पर CO2 देता है नहीं देता है, प्रोडक्ट जो बनता है लैक्टोन है, लैक्टिम है, लैक्टाइड है,
ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, तो उसकी कर ले खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। एक और बात मैं बताऊंगा, मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका, आई मीन साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें। तो आप सबसे मैं ये कहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, वो वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप सर्च करेंगे SKM सर कोटा, SKM सर कोटा करके सर्च करेंगे तो आपको उसमें वीडियोस चार पांच मिलेंगे जो बहुत सारी चीजों से है कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाए, कैसे ऑर्गेनिक पढ़ी जाए, बैकलॉग अगर है तो उसे कैसे किया जाए, ये सारी चीजें से रिलेटेड वहां पर मैंने 10-10 मिनट के वीडियोस बनाकर डाले, तो आप एक बार उसे जरूर देखें और उसे फॉलो करें, जो उसमें बोला गया है वो आपको करना है, ठीक है। और वहां पर आप कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वहां गए थे और आपने चीजों को देखा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब आपको पता ही है, वो कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना लिख करके, सर मैं इस बैच का हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। आप उससे रिलेटेड जो भी, जैसे किसी ने टाइम टेबल बनाया है अपना, तो टाइम टेबल आप उससे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये है मेरा टाइम टेबल, और मैं फिर से बोल रहा हूं वैसे ही बनाना जैसे बताया गया, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है जैसे उसमें बताया गया, वैसे ही आपको बैकलॉग क्लियर करना है जैसे उसमें लिखा है, वो आप बनाए और बना के एक बार मुझसे आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।